अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज देखिए अंबड़े की भाजी और गोश्त बना रहे हैं। ये भाजी है अंबड़े की, ये गोश्त है। प्याज को काट कर लिया है, देखिए ये गोश्त है। इसको गोश्त को अच्छे से धो लिया है, देखिए बस ये प्याज है, प्याज में गोश्त डालेंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, देखिए फिर हल्दी डालेंगे इसमें, फिर नमक डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, फिर इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, चार चम्मच डाला है लाल मिर्ची, इसमें डालेंगे तेल, इसमें पानी डाल के अपन दो सीटी लगा लेंगे गोश्त को। फिर उसके बाद में भाजी डालेंगे, भाजी को धो के लेती हूँ और इस भाजी को अलग से उबाल लेती हूँ। देखिए गैस मैंने रख लिया है कुकर को, अभी भाजी को धो कर लूँगी। देखिए गैस को धो कर रख लिया है, तो उबाल लूँगी उबालूँगी, थोड़ा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। देखिए गैस हमारा गोश्त ऐसा हो चुका है, इसमें डालूँगी मैं भाजी को घोट लेके, इससे कर लूँगी भाजी को, इसको थोड़ा घोट लूँगी अच्छे से। देखिए ऐसे हमारी भाजी ऐसी हो चुकी है, अब इसमें डालूँगी गोश्त। देखिए ऐसे हमारी भाजी ऐसी हो चुकी है, इसमें गोश्त में ऐड करेंगे। देखिए ऐसे हमारी भाजी रेडी हो चुकी है, सर्व मैं इसको सर्व कर लूँगी। देखिए गैस हमारे अंबड़े की भाजी और गोश्त
रेडी हो चुका है। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना गाइज। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी संग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए हम बनाएंगे बैंगन का भरता। ये बैंगन है, ये दो टमाटे हैं, हरी मिर्ची है, लहसुन है, इसका बनाएंगे बैंगन का भरता अपन। देखिए गाइस, ये है आधा किलो का वज़न है। देखिए इसको ऐसे शॉक लगा लेना बैंगन को। इसमें रख लेंगे बैगन में। देखिए गैस, फिर इसमें डालेंगे अपन लहसुन। इसको अच्छे से डाल लेना लहसुन को। डाल लिया है, अब इसको लगा लेंगे अपन तेल। देखिए गाइस, इसको तेल लगा लेंगे अपन। अच्छा देखिए गाइस, इसको रख लेंगे बैगन। देखिए माशाल्लाह अच्छे से बैठा। देखिए गाइस, इसमें हरी मिर्ची भी रख लेंगे। देखिए गाइस, ये हो चुका है रेडी, इसको निकाल लूंगी मैं। देखिए गाइस, इसमें टमाटर भी रख लेंगे थोड़ा। देखिए गाइस, इसको छील लेना ऐसा। अच्छे से रेडी हो चुका है, ये गरम है। देखिए गाइस, ये हो चुका है, इसको मैश कर लेंगे, मैश कर लेंगे इसे। देखिए गाइस, टमाटरों का भी छिलका निकाल के इसमें डालेंगे। देखिए गाइस, इसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें। देखिए इसको हरी मिर्ची को इसमें डाल के अच्छे से मैश करेंगे इसमें। देखिए तेल गर्म हो चुका है, प्याज डालेंगे इसमें, हरी मिर्ची डालेंगे। देखिए गाइस, हरी मिर्ची डालेंगे इसमें। देखिए गाइस, डालेंगे हल्दी, नमक डालेंगे।
इसमें डालेंगे लाल मिर्ची 2 चम्मच, इसमें पूरी डालते हैं। देखिए अच्छे से मैश हो चुका है ये। देखिए गाइस इसको हम सर्व कर लेंगे, हमारा रेडी हो चुका है बैगन का भरता। देखिए गाइस हमारा बैगन का भरता रेडी हो चुका है। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना गाइस। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी के संगत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, हम बनाएंगे खेमा। जल्दी से जल्दी बनता है। देखिए प्याज को काट के रख लिया है, तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया है। डालेंगे 1 चम्मच नमक, इसमें 1/4 चम्मच फिर इसमें हल्दी या गरम मसाला, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्ची 2 चम्मच डालेंगे, तो भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए जल्दी से जल्दी बनती है सब नमक में ऐड करेंगे अपन टमाटर आलू। देखिए टमाटर आलू की रोटी कितनी है, हमने देखिए इसमें मेथी ऐड करेंगे अपन, मेथी हो अच्छे से भून लेंगे, भूनने से स्टिकी लगा के रखूँगी मैं इसे जल्दी लगा दूँ। देखिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका कुकर का ढक्कन लगा दूँगी थोड़ा सा। देखिए कुछ देखिए गाइस हमारा खेमा 10 मिनट में रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह अच्छे से बन चुका है, 10 मिनट में हमारा खेमा अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए देखिए गाइस हम बना रहे हैं डोंडे, टमाटर है, प्याज है, ये भी सब्जी जल्दी से जल्दी बन जाती है। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज, इसमें डालेंगे आंवले।
इसको भी अच्छा कर लेंगे। अच्छी बात है, जा क्या वही लालू चीज मैंने जगह से किस नहीं था चम्मच नमक फिर और आधा चम्मच डालेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे, बटन से भून लेंगे। इसमें लाल मिर्ची डालेंगे तो एक चम्मच, दो चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे, इसको भी अच्छे से भून लेना। देखिए इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को अच्छे से भून लेना, घन के 10 मिनट के लिए ढक के रखना है उसको। जब मिनट के लिए ढक के रखूँगी उसको मैं डंडों को, देखिएगा मैं थोड़ा पानी ऐड करके ढक के रखूँगी। देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है उसमें, जल्दी से बन जाती है ये भी सब्ज़ी। रोटी में भी खा सकते हैं अपन, चावल में भी खा सकते हैं। देखिए पानी करूँ इसको ढक के रखूँगी मैं, देखिए हमारे सिंच चुकी है,
घी की कंची की है 10 मिनट में डंडों की सब्जी। रोटी की संगत भी खा सकते हैं, चावल की संगत भी खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा भून लूँगी अच्छे से। देखिए गैस हम बना रहे हैं, भिंडी फ्राई कर रहे हैं। देखिए कढ़ाई रखी है मैंने, इसमें डालेंगे भिंडी। देखिए ऐसे हम अच्छा भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भिंडी भी जल्द से जल्द बन जाती है भी भिंडी की, अपन रोटी में भी खा सकते, चावल में भी खा सकते भिंडी भी। ये भी जल्दी से जल्दी बन जाती है रेसिपी। देखिए ऐसे हमारी भिंडी ऐसी हो चुकी है, इसमें तेल डालूंगी मैं। दो चम्मच तेल डाला, 3 चम्मच अच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट डालेंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें डालेंगे नमक। देखिए बिस्मिल्लाह, 2 चम्मच नमक डालेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी, फिर अपन डालेंगे लाल मिर्च को, लाल मिर्च 2 चम्मच डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी भी भिंडी रेडी हो चुकी है। देखिए गैस हमारी भी भिंडी रेडी हो चुकी है, रोटी में भी खा सकते हैं अपन, चावल में भी खा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह मुझे बन चुकी है 5 मिनट में। देखिए सर्व कर लेंगे अपन। देखिए
आज हम बनाएंगे मटन शेरवा। कटा शेरवा है, ये इमली है, भिंडी है, भिंडी, कोथिंबीर, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज, ये मटन है। मटन का शेरवा है, कटा शेरवा मटन का। देखिए इसमें रख लिया, इसमें डालूंगी मैं, अब इसमें डालूंगी प्याज, प्याज में डालूंगी तेल, देखिए इसमें डालूंगी कली तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें टमाटर, फिर इसमें डालेंगे नमक, नमक 2 चम्मच डाला है, इसमें हल्दी, फिर लाल मिर्ची 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची, देखिए 2 से बढ़ के डालें, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, देखिए इसको थोड़ा पानी ऐड करके ढक के रख लूँगी मैं, 1-2 सीटी लगा के फिर आपको बताऊँगी। 2 सीटी लगा के रख लिया है मैंने, इसको बताऊँ खोल दिया है, अच्छे से भून लेना, देखिए इसको अच्छे से भून लेना, प्याज को अच्छे से भून लेना, इसमें टमाटर भी अच्छे से भून लेना, अच्छे से भून के इसमें फिर भिंडी डाल देना, देखिए इसको अच्छे से भून लिया है, इसमें डालेंगे अपन भिंडी और करी पत्ता, कोथिंबीर है, हरी मिर्ची, फिर एक सीटी लगा लेंगे इसको, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके एक सीटी लगाऊंगी, देखिए ये हमारा पानी पूरा शेर है, इसको हम अच्छे से भून लेके इसमें मिली का खट्टा डालेंगे, देखिए इसमें डालेंगे अपने मिली का खट्टा, देखिए खट्टा शेरवा है भिंडी का, अच्छे से मिक्स कर लूंगी, फिर इसको खट्टा पकने के लिए रखूंगी 10 मिनट, दस मिनट के बाद में डालूंगी, थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा कलर लगा दी, अच्छे से हो चुकी है, इसको रोटी के संग दिखा सकते, चावल के संग दिखा सकते, देखी जाए तो ये
दस मिनट रख के फिर आपको बताऊंगी। रेडी हो चुका है, इसे हम सर्व कर लेंगे। ग्रेवी भी अच्छे से बन चुकी है, अच्छे से तेल भी आ चुका है, देखिए माशाल्लाह अच्छे से बन चुका है। देखिए गैस हमारी रेसिपी पूरी तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। गैस मिलती हूँ दूसरी रेसिपी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।